महाशिवरात्रि पर्व में भले ही अभी दो दिन है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों में उत्साह अभी से देखा जा सकता है। इस दिन को और भी खास बनाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कहीं मंदिरों में रुद्राक्ष वाला रक्षा सूत्र तैयार किया जा रहा है, तो कहीं महाशिवरात्रि के मेले की धूम देखने को मिल रही है। यहाँ गूंज है बम बम भोले की, यहाँ साधु संतों ने डेरा डाल दिया है। लाखों की तादाद में आस्था और विश्वास की डोर थामे भगवान भोलेनाथ के भक्त मंदिर की रौनक बढ़ा रहे हैं। तस्वीरें जूनागढ़ के भवनाथ मंदिर की हैं, जहाँ ध्वजारोहण के साथ ही पांच दिनों तक चलने वाले महाशिवरात्रि मेले की शुरुआत हो गई है। गिरनार पर्वत की तलहटी में बने इस भवनाथ मंदिर में इन दिनों रौनक देखते बन रही है। महाशिवरात्रि की तैयारियों को लेकर भोलेनाथ के भक्त उत्साह और उमंग में डूबे हुए हैं। कहीं झाल मृदंग बज रहे हैं, तो कहीं बम बम भोले के जयकारे दूर तक गूंज रहे हैं। महाशिवरात्रि की समाप्ति तक ये रौनक यहाँ यूं ही रहने वाली है। साधु संतों का कारवां हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने वाला है। इस मेले में स्वयंभू महादेव के दर्शन के अलावा सबसे आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु, जिनकी अलग अलग वेशभूषा और कठिन तप को लोग हैरत से देखते रह जाते हैं। वो दृश्य अद्भुत होता है जब महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव के रंग में रंगे ये नागा साधु हजारों की तादाद में मृगी कुंड में शाही स्नान के लिए जाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आज भी नवनाथ 84 दिन रात्रि को 12 बजे स्नान करने के लिए मृगी कुंड में आते हैं और सभी दुनिया को आशीर्वाद देते हैं, और 12 बजे स्नान करने के बाद में वो अदृश्य हो जाते हैं और हमारे जैसे संत होते हैं वही बाहर रहते हैं। यहाँ से हजारों की संख्या में साधु जाएंगे स्नान करने के लिए। जब स्नान करके जब निकलेंगे तो आधे संत भी नहीं होंगे। वो कहाँ जाते हैं किसी को आज तक पता नहीं है। यही भोलेनाथ की महिमा है। महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस भवनाथ मेले में भगवान शिव के दर्शन पूजन और नागा साधुओं से आशीर्वाद लेने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। महाशिवरात्रि की तैयारी चंडीगढ़ में भी है, जहां महिलाओं ने भोलेनाथ के भक्तों के लिए खास रक्षा सूत्र तैयार किया है। इसमें विशेष तौर पर रुद्राक्ष लगाए गए हैं। महाशिवरात्रि के दिन हनुमंत धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को ये खास रक्षा सूत्र महादेव के आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। ये रक्षा सूत्र बना रही है, हमने 5-6-7 हजार करीब करीब बन चुके हैं। हमारे टारगेट है कि 11 हजार रुद्राक्ष के गाने बनाए और ये इनको मंत्रों से सिद्ध करके, पंडित जी अभी इनको एक दिन पहले मंत्रों से सिद्ध करेंगे और उसके साथ साथ एक विशेष प्रसाद उपहार के रूप में भोले बाबा की ओर से जितने भी भगत हनुमत धाम में जल चढ़ाने आएंगे, मत्था टेकने आएंगे, भगवान जी से ब्लेसिंग लेने आएंगे, उन सबको ये रुद्राक्ष का गाना यानी कि रक्षा सूत्र सबको बांधा जाएगा। हमने रुद्राक्ष के बनाए, ये पंचमुखी रुद्राक्ष से बने हुए हैं, ये बड़ों को हम बांधते हैं और जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं उनके लिए हमने ये स्पेशल बनाए हैं घुंघरों वाले, तो इन सबको हम मंत्रों से सिद्ध करके फिर बच्चों को भी बांधेंगे और ये बड़ों को भी बांधेंगे। महाशिवरात्रि 8 मार्च को है, लेकिन भोलेनाथ के भक्तों में इस खास दिन को लेकर उत्साह चरम पर है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा और जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, गुड न्यूज़ टुडे।